हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकर रहेगा। तो आज हम ये देखेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या। एक्सीलरेशन तो सही है, बट ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर देखेंगे कि एग्जैक्टली ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है एंड ये आया कहां से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, पहला बात हमें ये बोला गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि अगर हमारे पास एक बॉडी होगा, ध्यान से सुनेंगे भाई, अगर हमारे पास एक बॉडी होगा एंड अगर हम उस बॉडी को फोर्स देंगे, उस बॉडी को हम फोर्स देंगे तो जाके हमारा उस बॉडी पे एक्सीलरेशन आएगा। देखो, न्यूटन्स का हमने तीन लॉ पढ़ा। ठीक है, तो पहला लॉ में हमने ऐसे पढ़ा कि अगर एक बॉडी रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। कब तक ऐसे होगा? ना जब तक उसको बाहर से फोर्स नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या बोल रहा था कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक ये रहेगा भाई? ना जब तक उसको बाहर से कोई आके फोर्स नहीं देता। ठीक है, तो दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में क्या बोला गया कि अगर आपको कोई फोर्स देगा देन आपका मोमेंटम चेंज होगा। बात समझो, सेकेंड लॉ में क्या बोला गया कि अगर इस बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा, समझ रहे हो बात को, एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा देन इस बॉडी में क्या चेंज होगा? इस बॉडी में मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई? मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है ना भाई? ध्यान से समझिएगा, इस बॉडी में क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है ना? फिर आपको ऐसे बोला गया, अब ये मोमेंटम क्या था भाई? ना पी बराबर हमारा मास इनटू वेलोसिटी था, तो खाली मास चेंज होगा, खाली वेलोसिटी चेंज होगा, वो ऐसे नहीं बोले। वो बोले कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, एंड मोमेंटम क्या है? मास वेलोसिटी। तो इधर उसका मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, दोनों भी चेंज हो सकता है। अरे भाई, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि जब हम फोर्स देंगे बॉडी में मोमेंटम चेंज होगा बोल रहा है, खाली वेलोसिटी चेंज होगा बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम कौन है भाई? पी है, वो पी चेंज होगा। मोमेंटम कौन है? पी है, पी चेंज होगा। अब पी किस पे डिपेंड करता है? ना पी डिपेंड करता है मास पे, मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अब पी कैसे चेंज होगा? अगर मैं किसी पे डिपेंड करता हूं मैं कैसे चेंज हो जाऊंगा? अगर वो चेंज होगा तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा। समझ रहे बात को? तो बात में ये बोल रहा हूं, जब आप एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो उस बॉडी में क्या चेंज होगा? ना मोमेंटम चेंज होगा। अब ये मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। जब बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, जब बॉडी का मास चेंज नहीं होता, तब एक्सटर्नल फोर्स को क्या लेते हैं हम लोग? ना देखो, हमने सेकेंड लॉ में क्या बोला, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, है कि ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि जब हमारा मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है, तब हमारा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाता है भाई? ना एफ एक्सटर्नल क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ रहे भाई? देखो, अगर मास कांस्टेंट होगा तो ही ये होता है भाई, अगर मास कांस्टेंट होगा तो ही ये होता है, हमेशा नहीं होता। जब मास कांस्टेंट होगा, जब आप फोर्स दोगे तो उसमें एक्सीलरेशन m इंटू ए होगा। बाकी अदर केसेस में जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तो आप ये dp बाई dt लेंगे। तो अभी आपको क्या बोला गया कि अगर एक बॉडी में फोर्स काम करेगा, देखो मास तो पहले से होता है, मेरे में मास है कि नहीं भाई? पहले से मुझे अगर कोई आके फोर्स देगा तो मेरे में क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। फोर्स देने से एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन से फोर्स नहीं आता। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा भाई? अगर हम एक बॉडी को फोर्स देंगे तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्सीलरेशन आएगा फिर बोलेंगे अरे एक्सीलरेशन के बाद फोर्स,
ऐसा नहीं होता। मैं बोल रहा हूं मास तो पहले से होता है, तो एक्सीलरेशन कब आएगा? जब आप फोर्स दोगे। तो ये सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं? जब आप फोर्स दोगे, एक मास कॉन्स्टेंट अगर होगा तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा, है कि ना। अब वो बोल रहा है, तो देखो क्या बोला गया कि जब हम फोर्स देंगे एक बॉडी को तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा। तो अभी आप क्या बोलोगे, ये जो एक्सीलरेशन, लेट मैंने बोला कि ये जो M1 ब्लॉक है इसको मैंने F1 फोर्स दिया, तो इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा ना, हम क्या लिखेंगे, F1 इक्वल्स टू M1 इनटू A। तो A क्या लिखेंगे, F1 बाई M1। तो मैं ये एक्सीलरेशन को क्या बोलूंगा, दिस एक्सीलरेशन किसके वजह से है ना, दिस एक्सीलरेशन फोर्स F1 के वजह से है। तो हम क्या बोलेंगे ना, द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ड्यू टू द फोर्स F1, जिसके वजह से आया, ड्यू टू मेरे में एक्सीलरेशन F1 के वजह से आया, द एक्सीलरेशन ड्यू टू F1, मेरे में एक्सीलरेशन F2 के वजह से आया, एक्सीलरेशन ड्यू टू F2। समझ रहे हो बात को। अब ग्रेविटी क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोल रहा हूं समझो ना। लेट देखो, हमारे पास अगर लेट ऐसे M1 होगा एंड M2 होगा, ये दोनों में अगर कुछ दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, ये दोनों में जो फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो सुनो, एक बॉडी M1 एक बॉडी M2 है, वो मास, दोनों का मास के वजह से जो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे बात को। तो ये मेरा यहां पे जो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना है, देखो वैल्यू कितना है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है एफ ग्रेविटेशनल, वैल्यू कितना है ना, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। ये भी हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से है, है कि ना। डी क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एंड ये कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। एंड ये जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2, ये यूनिट होता है, ठीक है। तो ये जो जी है कॉन्स्टेंट है। तो अभी बात समझिए, हमें लाना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट मैं चाहता हूं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ लाएंगे, अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है मैं निकालूंगा। सुनो, हमें बोला गया, ध्यान से समझिएगा, किसी भी फोर्स के वजह से अगर आप कोई भी फोर्स एक बॉडी को दोगे तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा। अब आपको यह बोला जा रहा है जब वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, जब वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा उसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा देखिए। सोचो, मैंने आपको बोला दो मास होंगे, दो मास के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स थे। हमने क्या किया, अर्थ लिया, ध्यान से समझिए, हमने ना अर्थ लिया, देखो अर्थ ऐसे स्फेरिकल होता है भाई, हाँ कि ना। तो अर्थ का मास कहां पे होगा, पूरा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अर्थ का मास थोड़ी एक जगह पे है। बट हमें क्या करना है, अर्थ का मास एक जगह पे है बोल के लेने पड़ेंगे, एंड वो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ मास, हाँ कि ना। तो सोचो, अर्थ का मास जो है ना उसका सेंटर में है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हमें, हमने क्या किया, इसके ऊपर सरफेस में एक छोटे से मास को रखा M1, और छोटा सा मास कौन है, M1 है। अब ध्यान दो, ये दोनों में फोर्स है कि नहीं। अभी सोचो रे भाई, ये जो अर्थ है, देखो मैं क्या बोला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ क्या कर रहा होगा, उस M1 को ना पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा होगा। जो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है भाई, मैं किसी को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचू, वो मेरा है बोल के मैं बोल रहा हूं। समझ लो मेरा बात। तो मैं चाहता हूं कि देखो, जैसे अभी अर्थ है, अर्थ इसको कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा होगा ना, अर्थ बोल रहा होगा M1 को कि तुम मेरा है, तुम मेरे तरफ आओ। समझ रहे हो बात को। तो ये अर्थ जो है इसको ना कुछ ऐसे फोर्स दे रहा होगा भाई, अपने तरफ ऐसे खींच रहा होगा,
समझ रहे हो, कितना फोर्स देके खींच रहा होगा, ध्यान से समझो कितना फोर्स देके खींच रहा होगा ना। देखो ये जो अर्थ है इसको, ये रेडियस है कि नहीं रे भाई, ये दोनों में डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, हाँ कि ना। तो अभी बताओ ये अर्थ उसको कितना फोर्स देके खींच रहा होगा, ना ग्रेविटेशनल फोर्स देके खींच रहा होगा, हाँ कि ना। अभी बताइए उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ना जी एम ई इंटू एम वन बाई आर का स्क्वायर, है कि ना। इतना फोर्स अर्थ दे रहा होगा एम वन को, ना नहीं समझे, जो अर्थ है इतना फोर्स एम वन को दे रहा होगा, ठीक है। अब एम वन में क्या होगा, देखो एम वन क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब एम वन क्या बोलेगा, मेरे में फोर्स आ रहा है तो मैं अभी एक्सीलरेट करूंगा, समझ रहे बात को। देखो मैं क्या बोला आपको, अगर कोई भी ब्लॉक को अगर आप फोर्स दोगे तो एक्सीलरेशन आएगा। तो अभी अर्थ जो है इसको फोर्स दे रहा है कि नहीं भाई, दे रहा है। तो जब इस पे फोर्स आएगा, एम वन क्या बोलेगा, मैं तो आराम से था, अभी मेरे को फोर्स आ रहा है, मेरे में फोर्स आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक्सीलरेट करने की कोशिश करूंगा। बात समझ रहे हो। तो दैट एक्सीलरेशन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एम वन में आएगा, जो एक्सीलरेशन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एम वन में आएगा, उसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। समझ रहे हो रे भाई मेरा बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस किया, एम वन। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ग्रेविटेशनल कौन एक्सपीरियंस किया, एम वन, तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा, हाँ कि ना। तो हम क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस का स्क्वायर, एम वन इंटू ए। तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, एम वन कटेगा, जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ए फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्स एफ वन, जो फोर्स के वजह से मेरे में एक्सीलरेशन आएगा मैं उसको नाम दूंगा आराम से। तो अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी, जब काम करता है उस बॉडी में क्या एक्सीलरेशन डेवलप होता है, वो बॉडी क्या एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो भाई, बहुत सिंपल सा चीजें है। यहाँ पे ए इक्वल टू आ गया जी एम ई बाई आर स्क्वायर, इसी को ही हम बोलते हैं ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ रहे हैं, ये सरफेस में होता है, सरफेस ऑफ अर्थ में ये होता है वैल्यू। अगर आप ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस उस हिसाब से आएगा, समझ रहे हो। तो वो अलग अलग केसेस होता है, वो हम बाद में देखेंगे, समझ रहे हो भाई मेरा बात। तो ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो होप आपको ये समझ आया, ठीक है ना, एंड आप अच्छे से इसको पढ़िए, इसका अलग अलग केसेस भी है, ठीक है। जो इसका जो वैल्यू होता है सरफेस में, हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होता, हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड को ले लेते हैं, बट नहीं होता, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। जो पोल होता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है सबसे ज्यादा होता है, नॉर्थ पोल में ज्यादा होता है, साउथ पोल में ज्यादा होता है, इक्वेटर है इक्वेटर में कम होता है। तो वो सब हम देखेंगे अलग अलग कैसे से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप अच्छे से पढ़िए, खाली पढ़िए मत भाई, रिविजन कीजिए। जब आप रिविजन करेंगे तो आपको ना, देखो जब आप एक चीज को अगर आप एक बार पढ़ के रख लेते हो तो गलत हो जाएगा। आप एक बार पढ़ने के बाद फिर से उसको रिवीजन करो, देखना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हो गया, फिर से आप ट्राई करो कि और एक बार हम पढ़ेंगे। एवरी टाइम यू विल रीड ना, देखना आप कुछ नया चीज आपका दिमाग में, अगर आप मन देख के वहां पे पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, देन आप देखना हर चीज, आप सेम चीज पढ़ के ना नया चीजें आपको एक्सट्रैक्शन मिलता रहेगा। ट्राई कीजिए, देखना बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ते रहो फिर तबीयत खराब हो जाए, नहीं भाई, जितना टाइम आप पढ़ रहे हो इफेक्टिव होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।